राणा साहब, कल तक आप किसी और को लाडला कहते थे और कहते थे कि स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ है, कैसे इमरान खान को लाया गया, कैसे सपोर्ट किया गया, कैसे इक्तदार की कुर्सी पर बिठाया गया, पूरी एक रुदात सुनाते हैं आप लोग। लेकिन अब कहा जा रहा है कि फिल्म वही है, किरदार बदल गए हैं, कल के विलन आज के हीरो और कल के हीरो आज के विलन बन चुके हैं। तो जो इल्ज़ामात आप लोग कल इमरान खान पर लगाते थे, सेम वो इल्ज़ामात आज आप लोगों पर लग रहे हैं राणा साहब। ये देखें शाजिया, इल्ज़ाम लगाना या इस कज़े में बातें करना या पॉलिटिकल पॉइंट्स की ओरिंग करना, वो तो खैर सियासतदानों का एक है इलेक्शन के दौरान। तो या इसका मतलब आप लोग भी सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करते थे, हकीकत नहीं, का कोई ताल्लुक नहीं। सुन लेना, एक कि आपकी मुसीबत ये होती है, बात सुनते नहीं, बीच में आप इंटरप्ट कर, पूरी बात तो सुन लिया करें, फिर आप जितने मर्जी क्वेश्चन करें। जी मकसद क्या है, मैं कह रहा था कि हमारा वो, आप जरा देखे ना 2014 का, लंबा ना जाए, पीछे ना जाए, 2014 धरना हुआ, किस तरह हुआ, किस तरह प्रोजेक्शन हुई, पनामा लाया गया, साजिश हुई, कितनी बड़ी साजिश हुई, और प्राइम मिनिस्टर जो थे नवाज शरीफ साहब, उनको लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और कामा पे किस तरह कन्विक्शन हुई, जजों ने क्या बयान दिए, किस तरह उन्होंने बताया, किस तरह वीडियो लीक्स हुई। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, इलेक्टेबल लाए गए, फिर प्री पोल जो रिगिंग थी वो किस तरह हुई, किस तरह RTS बिठाया गया, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब सिर्फ इस बात से कहना कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं और उनको रिलीफ मिला, इंसाफ मिला, जो उनके साथ ज्यादतियाँ हुई थी, किसको नहीं पता, अदालतों को नहीं पता कि वो किस तरह सजाएं हुई, किस तरह सारे मामला चले। अगर उनको रिलीफ मिल रहा है, और रिलीफ भी वो नहीं है, सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ के, एक उनको बेल प्रोटेक्टिव देते हैं या लेकिन राणा साहब, एक आम बंदे के लिए तो इतना फास्ट प्रोटोकॉल, इतना फास्ट इंसाफ का सिस्टम हमारे मुल्क में तो नहीं है, एक आम बंदे के लिए नहीं। अब बात आप उधर चले जाती हैं कि जी आम बंदे के लिए, आम बंदे के लिए, तो फिर इस तरह तो बात बहुत दूर जाती है, वो सिस्टम पे बात आ जाती है जी। लेकिन मसला ये है कि एक, मुझे बताएं कौन से पॉलिटिकल लीडर जो हैं, जो जब भुट्टो साहब के साथ हुआ, जो जो उसके बाद जितने केसेस हुए, या उससे ये, अगर एक बंदा जिस लेवल पे है उसके उसी तरह ही केसेस भी उसी तरह ही टेकअप किए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ आज चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं और उनकी जो इंसाफ पसंदी है या इनकी जो अमलदारी है उसके मुतालिक, तो उनके मुतालिक कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ अगर सिस्टम में आके एक जायज रिलीफ या इंसाफ मिल रहा है जो कि बनता था, तो उसपे अगर इस तरह वावे लगा। मसला ये है कि हमारी यही तो हमारे मुल्क का सिस्टम है कि हमें रिलीफ मिले तो वो जायज़ भी होता है, हलाल भी होता है, सब कुछ होता है। ऐसा ही स्पेशल ट्रीटमेंट जब अदालतों में इमरान खान को मिलता था, कोई जज साहब गुड टू सी यू कहते थे, तो आप लोग कहते थे स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है, तब आप लोग ये नहीं समझते थे कि जिस लेवल का बंदा है उस तरह उसको अगर ट्रीटमेंट मिले तो बेहतर है। अब आप लोग कह रहे हैं कि ठीक है, जिस लेवल का बंदा है, जिस पाए का या जिस स्टैंडर्ड का या जिस पाए का सियासतदान है, उसको उस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, मतलब कि अपने साथ कुछ हो तो वो ठीक, दूसरे के साथ हो तो गलत। नहीं, ट्रीट का मैं नहीं कहा कि ट्रीट करना चाहिए, मेरा मतलब उनके केसेस की वो प्रायोरिटी होती है, उसकी सेंसिटिविटी होती है। देखना आज चीफ जस्टिस ने जो एक कमेटी बनी है 3 जजेस की केसेस के लगाने के लिए, वहां भी उन्होंने प्रायोरिटी सेट की है कि इस किस्म केसेस जो है वो उनको प्रायोरिटी पे सुना जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये जो बात आप करते हैं कि गुड टू सी यू, मुझे बताएं कौन जज कहता है कि उनको मस्जिद में लाएं और उनको कहना गुड टू सी यू, किसने कहा है कि मियां साहब को गुड टू सी यू, किसने कहा है कि उनको मस्जिद में लाएं, जाए हैं आम तौर पे बैठे हैं, बेंचों में बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, उसी अदालत में बैठे हैं जहाँ सारी दुनिया बैठती है, जाके आम आदमी बैठता है। तो ये ना बात इस तरह करें, बाकी आपका काम है। आपके इत्तेहादी जो हैं वो ही ज्यादा गिले शिकवे कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी कहती है कि ग्रेसफुली अगर अदालतों का सामना करते, सरेंडर करते आके नवाज शरीफ साहब तो बहुत अच्छा होता। दूसरा उनका गिला ये है कि जब से वो आए उन्होंने एक दफ़ा नहीं कहा कि इलेक्शंस होने चाहिए, वक्त पर होने चाहिए, हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि जल्द इलेक्शन करवाएं। तो हमें नहीं, आपके इत्तेहादियों को अब बहुत ज़्यादा गिले शिकवे आप लोगों से राणा साहब। नहीं देखें, जो आप बात कर रहे हैं ना कि हमारे इत्तेहादी कहते हैं, इस वक्त मैं वही कह रहा हूँ कि इलेक्शन की आमद आमद है और उनको पता है इलेक्शन का माहौल है, तो वो इस वक्त अपनी एक स्पेस बना रहे हैं इस तरह की बयानात दे के।
वरना जो इतिहादी हमारे रहे हैं 16 महीने साथ, तो उनकी हुक्मरानी में ज़्यादा हिस्सा था, तो उससे वो अगर आज बात करते हैं या डिस्टेंस थोड़ा क्रिएट करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये लोग जो हैं वो बाशऊर हैं, उनको इलम है सारा चीज़ों का, उनके कहने से शायद उनको वो स्पेस या वो पोजीशन ना मिल सके सियासत में या इलेक्शन के दिनों में। तो मैं समझ, दूसरा आपने कहा कि जी वो कहते सरेंडर करते, तो सरेंडर तो किया मियां नवाज शरीफ साहब ने जब प्रोटेक्टिव बिल ख़त्म हुई है, तो वहाँ जब वो पेश हुए हैं उसी दिन 24 को, तो वहाँ सबसे पहले जजेस साहबान को यही हमारे वकला ने कहा कि जी मियां नवाज शरीफ साहब ने आज अदालत में सरेंडर किया है, जो टाइम था 24 को तक उनकी प्रोटेक्टिव बिल थी, उन्होंने आगे सरेंडर कर दिया, अदालत के रहमो करम पर आपको छोड़ दिया, आगे जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं, जिस तरह की जज साहबान ने वहाँ पे उस पर टेकअप किए केसेस, किस तरह के आर्गुमेंट्स हुए और वहाँ पे अदालतों की। आप लोग तो समझते हैं राणा साहब के चौथी दफा वजीर आजम नवाज शरीफ ही बनेंगे, तो शहबाज शरीफ वापस पंजाब आएंगे, फिर वही सारा सेटअप चलेगा। ये बात नहीं है, मियां नवाज शरीफ चौथी दफा इंशाल्लाह वजीर आजम बनेंगे, हम मेजोरिटी क्लीन स्वीप करेंगे, देख लें आप। ये जो वावेल है ना शोर शराबा पीटीआई का और इधर, मैं ये बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ फिर शहबाज शरीफ साहब वापस पंजाब आएंगे ना। ये उस वक्त मैं अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा हाल उस वक्त तो मियां नवाज शरीफ साहब जो पार्टी फैसला करेगी उसके मुताबिक अमल होगा। अगर पार्टी कहती है कि वो पंजाब में चले जाएँ, वो पंजाब में चले जाएंगे, अगर वो फैसला होता है कि उनको जिम्मेदारी कोई मरकज में मिलनी है तो मरकज में जिम्मेदारी मिल जाएगी। ये तो फैसला उस वक्त होना है, अभी तो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक है कि मियां नवाज शरीफ साहब चौथी दफा इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो बाकायदा से कैंपेन्स वगैरह कब से स्टार्ट हो रही हैं नवाज शरीफ साहब जिन्हें लीड करेंगे? कैंपेन तो हमने शुरू कर दिया है, रिसेप्शन थी मियां नवाज शरीफ साहब की, वो एक फकीतुल मिसाल उनका इस्तकबाल भी था और इलेक्शन का एक हमारा किक ऑफ भी था, और अभी भी मीटिंग शुरू होंगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते, और जलसे जुलूस करेंगे, रैलीज करेंगे, इलेक्शन में बिल्कुल पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेंगे, बिल्कुल इलेक्शन कार शुरू हो चुका है। सही, ग्रैंड डायलॉग की बात कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो आप नहीं समझते कि ये ज़रूरत है वक्त की कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए ताकि सब एक नुक्ते पर एक एजेंडे पर मुत्तफिक हैं, कोई चोर दरवाजे से ना आए, कोई किसी के कंधे पे चढ़ के ना आए, कोई किसी का सहारा लेकर ना आए, जो इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है पार्टियों का, स्पेशली आप लोगों के इतिहादी जिनका 2006 में आप लोगों के साथ मिसाक जमहूरी भी हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो जोर दे रहे हैं ग्रैंड डायलॉग इस वक्त की ज़रूरत है। नहीं, ग्रैंड डायलॉग खुदा खास्ता कोई इस वक्त कोई आमरीत नहीं है जिसके खिलाफ कोई डायलॉग करके कोई हमने इतिहाद बनाना है। ग्रैंड डायलॉग मुझे नहीं समझ आती है कि इसके पीछे क्या स्पिरिट है या उसके क्या फिलॉसफी है। अभी इलेक्शन है, अपनी अपनी जमात जो है, जो जो पार्टी हैं पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना इलेक्शन लड़ें, और किसी ने सीट एडजस्टमेंट करनी है, किसी ने किसी के साथ इत्तेहाद करना है, तो उनका अपना अपना फैसला है हर पार्टी का। तो इलेक्शन के बाद ग्रैंड डायलॉग हो सकता है कि एक सिस्टम को लेकर चलें और कम से कम मिनिमम जो एक लेवल है उस पर हम एग्री करें, जिस तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमी है या दूसरे मामले आते हैं जो मिनिमम एक हम बेंचमार्क कह सकते हैं उस पर चलें ताकि मुल्क को आगे लेके चलें।